जो बोले सो निर्भय सृष्टि कर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आधर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, विशेष तौर पर पूरे भारत से और पूरे संसार से ही लगातार साथियों के फोन आ रहे थे, क्योंकि ये मोक्ष माह है और मोक्ष माह के दिनों में योगी माह पर्व की तैयारियां चल रही होती हैं। उसी को लेके सभी साथियों के बार बार ये आ रहा मुझे संदेश कि योगी माह पर्व होगा या नहीं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, सब परिवारों से, पूरे जगत को, एक तो योगी माँ पर्व अगर होता तो उसका पोस्टर आपके पास 2-3 महीने पहले आ गया होता। और कारण है कि वो परमेश्वर हमें जिस रजा में रखे, वो हमें जैसा रखना चाहता है, क्योंकि वो करता है, वो सृजक है। हमारे पास बहुत छोटा दिमाग है, छोटा सा दिल है, सोचने का दायरा भी संकुचित है। हम अपनों को बीच में रखते हैं, अपनों को, मेरे अपने कौन है, उतना सा दायरा है। मगर उसने केवल इंसानों का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड को देखना होता है। और ब्रह्मांड कैसे हैं उसको आसानी से समझ लीजिए। कभी एक टब पानी का भर के बहुत सारी छोटी बड़ी बॉल डाल दीजिए और किसी एक बॉल को उठाइए, सारी बॉल हिल जाएंगी, या एक डालिए सारी हिलेंगी। पूरी कायनात भी ऐसे ही है, कुछ भी होता है तो पूरी कायनात पे असर पड़ता है, और ये असर भी इंसान की गलतियों का नतीजा है। हम जो 2 साल से कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, पूरे जगत के लोग, वो हमारी पैदा की हुई बीमारियां हैं। हमने उसके दिए हुए जंगल खराब किए हैं, ग्लेशियर जहां नहीं पहुंच सकते उसको खराब करने जाते हैं। जिन जंगलों से हमारे फेफड़े, हमारी सांस चलती, जीवन लाइफ लाइन है हमारी, उन जंगलों को जलाते हैं, काटते हैं। नदियां जिसके पानी से हमारे सारे, जितना फसल, जितने फल हम खाते हैं वो पैदा होते हैं, हमारी प्यास बुझती है, उन नदियों को हमने गंदा किया। उन नदियों में केमिकल डाल रहे हैं, तेजाब डाल रहे हैं, और माता भी कह रहे हैं, नदियों के नाम माता भी रखा हुआ है, और खराब भी हम ही कर रहे हैं और उसकी सजा भी भोग रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि वो बहुत दयावान है, वो दयालु है, वो सृष्टि का कर्ता है, सृजक है, और वो करुणा सागर अपनी रचना को ऐसे खत्म नहीं करेगा। मां डांटती भी है और मां से हम लिपटते भी हैं, और मां ही चुप भी कराती है। और मां तो एक सिर्फ एक छोटे रिश्ते में है, और वो परमेश्वर तो पूरे संसार के पिता भी हैं, मां भी है, और उनके हुक्म को मानते हुए वो रिफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा वायरस आ गया है, ओमिक्रॉन तीसरा वायरस आ गया है, जो यूरोप से शुरू हुआ, अफ्रीका चले गया, अफ्रीका से चल के बहुत सारे देशों में फैला। भारत में भी उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हमें बचना है, हमने योगी माँ पर्व जो है, पर्व उस पे परिवार इकट्ठा होता है हमारा,
योगिमा पर्व जिसने हमारे बीच की दीवारों को तोड़ा है, प्रांतवाद की दीवार को तोड़ा है, भाषा की दीवारें तोड़ी हैं। हमने तो गोत्रों की दीवारें एक गली में रहते हुए खड़ी की हुई हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर आपका ही गोत्र बड़ा है तो दूसरे गोत्र में शादी क्यों करते हो। उस गोत्रवाद को भी तोड़ा है योगिमा पर्व ने। और जब हम बैठते हैं योगिमा पर्व के पंडाल में तो सारा आदर्श परिवार हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। और उस परिवार को कोई नुकसान पहुंचे ये हमें हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब चाहते हैं कि सब जो हमने परिवार एक एक तिनका करके जोड़ा है इस कुनबे को, वो कुनबा वैसे ही सुरक्षित रहे, खुश रहे, आबाद रहे। इसलिए योगिमा पर्व नहीं होगा। हां, इस मोक्ष माह में छोटे छोटे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी 12 मोक्ष का मंडी गोविंदगढ़ में है, 19 मोक्ष का कपूरथला में गांव है फत्तू ढींगा वहां पर है, और एक बड़ा विशाल कार्यक्रम केवल हरियाणा स्टेट का, मगर सारे जो नियमों का पालन करते हुए बड़ा विशाल कार्यक्रम 25 मोक्ष को, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था 1927 में, तो वो 25 दिसंबर को बहुत सारे मुद्दों पे, एक तो अलग रक्षण का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं आज हमारे बच्चों के। अभी PhD की बात मेरे सामने आ रही है कि बच्चे PhD का एंट्रेंस पास करते हैं मगर उसके बाद जो द्रोणाचार्य मानसिकता के टीचर हैं वो उनके गाइड बनने को तैयार नहीं होते। ये क्यों, ये कैसा नियम है? बच्चे ने पास किया तो अपने आप ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं अपने आप टीचर अलॉट हो जाना चाहिए। टीचर जैसे हम बाकी क्लासों में होता, हम BA MA में जाते हैं तो क्लास में जाते हैं तो टीचर अपने आप आता है। PhD में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और वाल्मीकि महासम्मेलन जो कैथल हरियाणा में होगा 25 मोक्ष को, उसमें इन सब विषयों पर बात होगी। और बात करने के बाद फिर प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सरकारों को अपना रोल, जैसा भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और अभी अभी हम उस परमेश्वर का, उसकी रजा को, उसके हुक्म को स्वीकार करते हुए योगिमा पर्व नहीं करेंगे। और अंत में मैं आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो पूरे जगत पे अपनी करुणा, अपनी दया की अमृत वर्षा करें, सबको सुख और समृद्धि दे। जय वाल्मीकि।